honey. चेन्नई में बार बार आ रहे हैं, कुछ भी अब तो होगा क्यों नहीं रखो क्या होगा जरूर होगा ना। अच्छा आपको पुरानी दिल्ली अच्छी लगती है, नई दिल्ली अच्छी लगती है? नई दिल्ली अच्छी लगती है, इसलिए इसका नाम डाला गया अच्छे नई। ठीक माना अच्छा होता क्या नहीं हो जाती तो राजधानी नई अच्छी होती है, पुरानी राजधानी तो पुरानी चीज किसी को अच्छी नहीं लगती। नहीं, पुरानी चीज तमो प्रधान होती है और नई चीज सतो प्रधान होती है। ये भी हम जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो पुरानी होती है वो फिर ज्यादा से ज्यादा नहीं होती, लेकिन पुरानी किसी को अच्छी नहीं लगती। तो दिल्ली दुनिया के सब शहरों की अम्मा है या नहीं है? है सब शहरों की माँ है, इसलिए जो हवाई उड़ाने हैं ना उसमें चेन्नई का नाम क्या रखा है? माँ। तो ये दो माँ कैसे हो जाएंगी? तो दिल्ली भी सारी दुनिया की माँ है और फिर चेन्नई को भी माँ, और वो भी केस नई होती तो ज्यादा अच्छा था। दिल्ली सागर के कंठे पे नहीं है, चैतन्य में सागर के कंठे में रही हो वो बात दूसरी है, लेकिन चेन्नई सागर के कंठे पर, चेन्नई सागर के कंठे पर है ना। अब सागर के कंठे में जितने भी दक्षिण भारत के शहर हैं वो सब सागर में समाए जाने वाले हैं या नहीं समाए जाएंगे? हैं? जड़ रूप में समाए जाना खराब समझते हैं, समझते डूब गया। और चैतन्य में अगर सागर में समाए जाए तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। इसलिए बार बार चक्कर लगाते हैं बंबई में और चेन्नई में, तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा तो है। अच्छा दूसरी बात, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो प्रजापिता का रथ जो है वो पांच तत्वों का पुतला तो है, लेकिन जो पुतला है वो पुरुष रूप में है या नारी रूप में? कलयुग के अंत में ज्यादा पतित कौन बनता है? पुरुष ज्यादा पतित बनते हैं। ज्यादा गिरावट किस में आती है, पुरुषों में ज्यादा गिरावट आती है या माताओं में ज्यादा गिरावट आती है? अबला कौन बन जाती है, पुरुष अबला बनता है या स्त्रियां अबला बनती हैं? स्त्री जाती अबला बन जाती है। तो माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? माँ, सारे जगत की माँ। और उसको उठाने के लिए जब माँ को ही उठाया जाए तो सीधी आत्मा को पकड़ के उठा लिया जाता है या कोई उसके किसी को उठाना होता है तो इंद्रियों को पकड़ के उठाया जाता है, हाथ पांव वगैरह पकड़ा जाता है तब उठती है? कैसे उठता है? कोई को उठाना है तो क्या करते हैं? पहले हाथ पांव पकड़ के उठाते हैं या सीधी आत्मा को उठा लेते हैं? नहीं। तो ये जो चेन्नई है वो माँ का असली देश है क्या? इसका नाम पहले था मड्रा, मड कहते हैं कीचड़ को, रास कहते हैं
डांस करने को। पहले चन्नपट्टनम ट्राई कर रहा हूँ, आगरा बीच में आ गई। हाँ चन्नपट्टनम, चन्नपट्टनम, चन्न माने छोटा, छोटा, और पटनम माने पटने, पटने वाला, थोड़ा पटता है पट्टी नहीं है ज्यादा, हाँ थोड़ी पट्टी है, थोड़ी नहीं पट्टी है। किसके साथ? सागर के साथ। अभी जो भूकंप हुआ था कौन सी लहर आई थी? सुनामी लहर। वो सागर की ओर से आई थी या धरणी की ओर से आई? सागर की ओर से सुनामी लहर आई थी। तो पट्टी है तब लहर आई या न पट्टी तब लहर आई? धरणी की ओर से आई थी बाबा बोला। पहले वहाँ धरणी भूकंप हुई थी, भूकंप उसी की वजह से सागर में लहरें आई थी। धरणी के ऊपर ही सागर है, सागर जो है वो अलग से है नहीं, जो ज्ञान सागर है उसका भी आधार धरणी है। क्या? ज्ञान सागर का भी आधार धरणी है, इसलिए उन्होंने बोला है रामकृष्ण धरणी का आधार लेकर के रहते हैं। क्या? और जो जानवर अवतार होते हैं कच्छ मच्छ अवतार, वो सागर का आधार लेकर रहते हैं। तो ज्ञान सागर खुद मनुष्य रूप में आता है या जानवर के रूप में आता है? और तो मनुष्य रूप में आता है, इसलिए धरणी का आधार लेके आता है। इसलिए पहले धरणी का उद्धार, फिर दुनिया का उद्धार। तो भारत माता तो है, तो भारत माता में भी एक हिस्सा ऐसा है जो खास जय अम्मा का हिस्सा है। यहाँ अभी लास्ट में कितने ज्यादा राजी किए हैं? जय ललिता। क्या जय ललिता? और क्या नाम है अभी? मिस जय ललिता है। हाँ जी, हाँ जी, उनको जय अम्मा भी कहते हैं। है तो अम्मा की जब तक जय जीत नहीं होगी तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि सागर को कहाँ ज्यादा उछाल मारनी पड़े, चेन्नई में उछाल मारनी पड़े, और बम्बई भी साथ में लगा हुआ है। क्या? जब तक हर हर बम बम नहीं होगी तब तक भी पूरा उद्धार नहीं होगा। स्थापना हो जाए और विनाश न हो तो स्वर्ग की वैल्यू रहेगी? स्वर्ग की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार, क्या कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो चेन्नई में ज्यादा चक्कर लग रहे हैं। कृष्ण में आते हैं क्या? भगवान बाप बाप के रूप में कृष्ण में आते हैं क्या? कि राम में आते हैं? बाप के रूप में नहीं आते, बाप के रूप में तो राम में ही, राम बाप में आते हैं। राम बाप कहा जाता है, कृष्ण बच्चा कहा जाता है। राम का बचपन का रूप नहीं पूजा जाता, और कृष्ण का बड़े रूप का नहीं उतनी मान्यता है, छोटे रूप की मान्यता है। तो कृष्ण बच्चा है और राम बाप कहा जाता है। कोई मुरली में ऐसे थोड़ी आया कि राम बच्चा है कृष्ण बाप है। कृष्ण बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, और राम शालीन बुद्धि है, बाप है। और एक मुरली में आया है, शुभ शिव बोल बोलता है कि शंकर से मैं तो आपको आपको अमृत देती हूँ, आप क्यों विष पीते? अमृत छोड़, विष काय को खाए। तो विष पीने वालों में शास्त्रों में सबसे बाला नाम किसका रख दिया? शंकर का। जब 14 रत्न निकले सागर में से, सागर मंथन से, तो पहले पहले क्या निकला?
हाल हाल फिर से निकला तो सब घबराने लगे, सब घबराए, देवता भी घबराए, राक्षस भी घबराए, अरे अब तो महाकाल आ गया सब चीज। तो जब सब घबराने लगे तो किसने बीड़ा उठाया है, शंकर जी ने बीड़ा उठा लिया, चलो तुम तो सब चीज अच्छा हो जाती है, हमको मारने दो तो सब चीज अच्छा हो जाएगी। तो हाल हाल इसके लिए हिम्मत की ना, हिम्मत है बच्चे बचे थे बाप, तो शिव बाबा का पहला बच्चा कौन हुआ है, शंकर पहला बच्चा हुआ। हिम्मत करेंगे तो बाप से मदद, कितना भी बड़ा काम क्यों न हो, कितना भी भयंकर काम क्यों न हो, कितना भी खतरनाक काम क्यों न हो, बच्चे अगर हिम्मत करेंगे तो बाप मदद देने के लिए तैयार है। तो आपका प्रश्न क्या था, नहीं माता जी का हमरे छोड़ काहे को खाए, इसलिए खाए कि दुनिया में जो और कोई नहीं कर सकता, सब पीछे छुड़ाना चाहते हैं। पीछे छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, माताओं को दुख दे के भाग जाते हैं। जब हम दुख से तंग हो जाते हैं तो क्या करते हैं सन्यासी लोग, हैं घर बार छोड़ के बाल बच्चों को यतीम बना के छोड़ जाते हैं। तो दुख देना हुआ या सुखी कर दिया उन्होंने, ये तो बहुत दुख दे दिया, धोखा दे दिया। तो सारे तो भागते हैं, 63 दिनों में सारी दुनिया सन्यासी बन के भागती रही, और बाप क्या करते हैं, हम नहीं भागेंगे, क्या हम भागने वाले नहीं है, हम बेहद का बाप बेहद की गृहस्थी बनकर के आता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चू तुमने अमृत छोड़ के काहे को लिया, माता जी कहते हैं बड़ा कहो ना अति दुख पाओ ना, बड़ा बनने में फायदा फायदा नहीं है। दुनिया में और जितने भी धर्म पिताएं आए, कोई धर्म पिता ने पुराने पद का विनाश नहीं किया। जो विनाश का कार्य है और कोई नहीं करता, एक में ही है पार्ट उदा हुआ। वो एक ही विनाशकारी के लिए निमित्त बना हुआ है, तो जो काम कोई नहीं करता वो काम जिसके जिम्मे सौंपा जाए तो उसको बड़ा कहा जाता है। लेकिन बड़ा बड़ा काम करेगा तो बड़ी समस्याएं भी तो आएंगी, नहीं आएंगी, बहुत समस्याएं आती है विश्व के कल्याण के लिए, और कल्याण का पलीता थोपा जाता है कल्याण का, ये सबसे जाती है कल्याणकारी। बच्चे कहते हैं भगवान बाप आया हुआ है, विश्व कल्याणकारी आया हुआ है, माया क्या कहती है, माया बच्चों की बुद्धि को घुमा देती है, अरे विश्व कल्याणकारी नहीं है तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। प्रजापिता से ज्ञान अमृत दिया, अभी प्रजापिता को अभी ब्रह्मा से ज्ञान दिया, लेकिन अमृत ज्ञान का अमृत अभी अमृत नहीं निकला, अभी दे रहे ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान मिला, अमृत नहीं कहेंगे, माने उसको सार नहीं कहेंगे ज्ञान का। जो ज्ञान का सार जो है वो तब निकलता है जब मंथन होता है, दूध तो दिया माँ के द्वारा, लेकिन माँ के द्वारा सार नहीं मिला, माना
ज्ञान का विस्तार होगा तो सार भी होगा, विस्तार नहीं होता तो सार भी नहीं होता। तो जो मंथन का काम नहीं हुआ इसलिए कहा कि अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, सार नहीं कहेंगे। जब मंथन होता है तीसरे नेत्र के द्वारा, तीसरा नेत्र माने बुद्धि, बुद्धि के द्वारा जब ज्ञान का मंथन होता है तब सार निकलता है। माना शिव बाबू शंकर के आत्मा के बुद्धि को टच करके अमृत दे रहे हैं ना? देने वाले तो शिव बाबा ही है नहीं? एक वाणी में प्रजापिता ब्रह्मा ने विचार सागर मंथन करके ज्ञान अमृत दिया। ज्ञान बाबा बुद्धि को टच करके शिव बाबू ने दे रहे हैं ना? शिव बाप ही देता है। ब्रह्मा के द्वारा अगर गीता ज्ञान दिया तो भी शिव बाप ने दिया, अगर प्रजापिता के द्वारा यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोया तो भी शिव बाप ने बोया। 76 में बाप का जब प्रतिष्ठा वर्ष मनाया गया तो जो ज्ञान का विस्तार और सार निकला वो भी शिव बाप ने दिया। करने वाला करण करावन हार तो शिव बाप ही है। देवता 10 करोड़ देवता तो शत्रु देवता में आ जाता है, और जो बाकी देवता है वो सब द्वापर नहीं तो कलयुग में आता है। 23 करोड़ उनको क्यों क्यों ले जाता है, उनका संकरण नहीं लगता है कि क्यों आता है? फर्स्ट टाइम आता है ला थोड़ा वापस जन्म लेकर आता है। हर धर्म में जो भी आत्माएं होती हैं वो अंत तक आती रहती है या शुरुआत या मध्य तक ही आती है? हर धर्म की आत्माओं को अंत तक आना है इस सच्ची रूपी रंगमंच पर, इसलिए दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो जैसे हर धर्म की आत्माएं अंत तक आती रहती है वैसे देवता धर्म की आत्माएं भी अंत तक आती रहती है। हाँ, उनमें कुछ होते हैं देहधारियों को फॉलो करने वाले हर धर्म में, क्या हर धर्म में कुछ होते हैं देहधारी गुरुओं को फॉलो करने वाले और कुछ होते हैं मूल को मानने वाले। ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म में भी 33 करोड़ आत्माओं में से जो 10 करोड़ आत्माएं हैं वो शिव बाबा को पहचान लेती है, माने शिव को पहचान लेती है कि उसका साकार स्वरूप क्या है, और बाकी जो 23 करोड़ हैं वो प्रजापिता तक सीमित रह जाती है, माने भक्त बन जाती है। बाप के वारस भी हैं, बाप की प्रजा भी है और बाप के भक्त भी हैं। ये कौन से बाप के भक्त होते हैं? शिव बाप क्या भक्त बनाने आता है? वो तो ज्ञान ही ज्ञान है, अज्ञान का भक्ति का नाम निशान नहीं। वो आता है तो भक्ति मुर्दाबाद, प्रजापिता तो 5000 वर्ष सच्ची रूपी रंगमंच पर रहता है, फिर भक्ति मार भक्ति मुर्दाबाद होती है क्या? नहीं होती। तो देहधारी से जो अटैचमेंट होता है शिव को नहीं देखते वो आत्मा है। जैसे बाबा पूछते हैं ब्रह्मा के तल में आते हैं गोद में, तो बाबा पूछते हैं किसकी गोद में आए? बच्चे कहते ब्रह्म बाबा आपकी गोद में आए हैं, तो बाबा कहते फेल हो गया है। अगर कहते हैं ब्रह्मा की गोद शिव बाबा की गोद में आए तो बच्चा पास। माना बुद्धि में ये रहे कि परिवर्तन करने वाला कौन आया हुआ है। शिव बाप बुद्धि में है तो ज्ञानी तू आत्मा, देहधारी बुद्धि में है शिव की जगह सब ही बुद्धि में है तो भक्त आत्मा। तो 33 करोड़ में से 10 करोड़ में अंश मात्र कुछ न कुछ निराकार सो साकार ये बुद्धि में बात बैठती है, और 23 करोड़ की बुद्धि में देवता तो है लेकिन ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, और उसका बीज अभी ही पड़ रहा है क्या? हाँ नहीं, बम्बई की एक कैसेट है, दो कैसेट है, दो घंटे की, इधर नहीं आई अभी,
डॉक्टर अरविंद के साथ बातचीत वार्तालाप राम को ही भगवान मानता शिव शिव राम के अंदर हाँ वो नहीं मानते कि शिव कोई अलग से तत्व है शिव ज्योति बिंदु कोई अलग से गॉड फादर है ये नहीं मानते क्या मानते नहीं नहीं एक ही आत्मा भगवान है वो ही गॉड फादर है राम ही राम है शिव को अलग से नहीं मानते और इस तरह की थोड़ी आत्माएं नहीं है बहुत है जैन संप्रदाय सारा ही निकला हुआ पड़ा है जैसे बहुत धर्म है वैसे जैन धर्म भी तो है जैन धर्म वाले यही मानते हैं कि जो आत्माएं पुरुषार्थ करती है तो पुरुषार्थ करके वो भगवान बन सकती है आत्मा सो परमात्मा बन जाती है चौबीस चौबीस तीर्थंकर भगवान के रूप में दिखाए हुए हर धर्म में ऐसे होते हैं कोई भूल को पकड़ के चलते हैं वो थोड़े होते हैं और कोई फिर देह को पकड़ के चलते हैं देहधारी गुरुओं को पकड़ के चलते हैं परम नीचे ये सब शरीरधारियों को शुरू तो नहीं होते ना बाबा परम आत्मा नीच आत्मा भ्रष्ट आत्मा ये सब बातें शरीर धारण के उन्हीं को लगते ना शिव है वो तो सदा शिव है माने दुनिया में कोई और दूसरी ऐसी आत्मा नहीं है जो सदा शिव हो सत्युग में भी शिव द्वापर में भी शिव कलयुग में भी शिव त्रेता में भी शिव कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सदैव ही कल्याणकारी सत्युग त्रेता में देवताएं कल्याणकारी कहे जाएंगे द्वापर में फिर कल्याणकारी हो जाते हैं माने सदा कल्याणकारी सिर्फ एक ही आत्मा है और वो है जो जन्म के चक्र में आती नहीं गर्भ से जन्म नहीं लेती जो जो गर्भ से जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो सदा शिव हो ही नहीं सकती नहीं मेरे संदेह को नहीं परमात्मा बोले तो कौन नहीं है वो परम शब्द जब लगा हुआ है इसका मतलब कोई से तुलना की गई है कंपैरिजन किया गया क्या परम शब्द जो है वो जैसे गुड बेटर बेस्ट तो बेस्ट जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में परम शब्द होता है हंस परम हंस हंसों में सबसे श्रेष्ठ हंस तो सबसे श्रेष्ठ तो एक ही होगा तो आत्माओं के बीच में तुलना की गई शिव से थोड़ी तुलना की गई तो परमात्मा इसलिए जो पाप आत्मा तो पुण्य आत्मा महान आत्मा ये आत्माओं के टाइटल हैं इन टाइटल्स में सबसे बड़ा टाइटल कौन सा है परमात्मा वो एक ही है महात्मा अनेक होते हैं पापात्मा अनेक होते हैं पुण्यात्मा अनेक होते हैं लेकिन परमात्मा सिर्फ एक ही होता है माने ये सब आत्माओं के टाइटल हैं शिव को अगर टाइटल दें तो परमात्मा के साथ परम पिता लगाना जरूरी है परम पिता सबका पिता पिताओं का भी पिता जो धर्म पिता हैं उनका भी पिता प्रजापिता और प्रजापिता का भी पिता परम पिता परमात्मा शिव भी प्रजापिता तो बोले में बोलते प्रजापिता रावण बन के बहुत पतित बन के काम करता है पर प्रजापिता तो एकदम इतना अच्छा काम करता है वो कैसा इतना नीचे काम करने के लिए करता है ना ऐसा नहीं कि वो इतना नीचे कर्म से नीचे गया है इस्लाम धर्म की आत्मा पहले नीचे गिरती है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्मा पहले नीचे गिरती है पहले कौन नीचे गिरते हैं
सृष्टि में पहले पहले जन्मों में जब द्वापर शुरू होता है पहले पहले नीचे कौन गिरते हैं? माने दूसरे धर्म की आत्मा पहले नीचे गिरती है और सूर्यवंशी आत्मा बाद में नीचे गिरती है। और सूर्यवंशी आत्माओं में भी जो सबसे श्रेष्ठ होगी वो पहले नीचे गिरेगी या लास्ट में नीचे गिरेगी? क्या नीचे गिरने वालों में भी वो परम है? माने लास्ट में जब सारे ही बहुत पापात्मा बन जाए, बड़े बड़े दुरात्मा बन जाए, अति करने वाले बन जाए, तो उनका अंत करने वाला कौन होगा? इसलिए अंतिम क्षणों में जाकर के राम को भी क्या बनना पड़ता है? राम बनना पड़ेगा। शॉर्ट है, मेरी शॉर्ट है। हाँ जी, अति का अंत करने के लिए बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो अति कर पाए, अंत कर पाए, इतनी अति करें जो अंत हो जाए, उसके लिए फिर बाप को ही कदम बढ़ाना पड़े। और अंगन का जो 40 साल बताया था उस तो 36 से 36 तक बताया रहता है अभी तक, लेकिन अभी जो एक डिस्कशन का बताया था उसमें बोला कि 69 से 2009 तक 40 साल गिना जा सकता है। ये क्या है 69 से 2009 तक कि तभी ये प्रजापिता पाप की मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म मतन स्टेज मिलता है होता है। पीढ़ी के चित्र में जो लिखा हुआ है 40 वर्ष वो 69 के बाद वाला है वो, या 69 से पहले वाला है? सीढ़ी चित्र में जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा समय में बनाया हुआ चित्र है, बाबा का जांचा हुआ, बाबा के द्वारा करेक्शन किया हुआ सीढ़ी का चित्र है 30x40 इंच वाला, उसमें जो नीचे 40 वर्ष लिखा हुआ है वो कौन सा टाइम का लिखा हुआ है? 76 से पहले के जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो वहाँ सीढ़ी में नीचे बैठे हुए हैं। उनके लिए मुरली में बोला है कि सीढ़ी में नीचे लिखो विनाश काले विपरीति बुद्धि विनश्यति, जो भी सीढ़ी में नीचे बैठे हुए, और ऊपर लिखो विनाश काले विपरीति बुद्धि विजय। तो कौन से 40 वर्षों की बात है? लेकिन 69 के बाद 2009 तक 40 साल ऐसे बता दिया ना, अभी जो डिस्कशन कैसे देख पाए इसमें चला है, उसमें बोला कि 69 से 40 साल गिना जा सकता है कि 40 वर्ष का संगम, संगम 50 वर्ष का संगम, 60 वर्ष का संगम, में कुछ 100 वर्ष का संगम की बात नहीं, जो सूक्ष्म मतन 40 साल के रचा है, सूक्ष्म मतन जो 40 साल के लिए रचा है वो दो प्रकार से, एक तो है भक्तों के लिए जो साक्षात्कार में विश्वास करते हैं, और एक है सूक्ष्म स्टेज में जाने वालों के लिए जो बुद्धि से साक्षात्कार करते हैं। तो जो बुद्धि से साक्षात्कार करते हैं वो 69 से उनको नहीं कहेंगे 40 वर्ष, तभी उसका मन चिंतन मंथन का स्टेज चला शुरू हुआ ना ज्ञान ज्ञान लाने के बाद। हाँ, उनका असली जो मंथन चिंतन तब होता है जब प्रत्यक्षता होती है बाप की, बच्चों के लिए बच्चों की प्रत्यक्षता, बच्चों को मनन चिंतन मंथन 76 के बाद शुरू होता है या 76 से पहले शुरू होता है? 76 के बाद शुरू होता है, जब बाप प्रत्यक्ष हो तो बच्चों की बुद्धि का ताला भी खुलता है। चालीस वर्ष का जो सूक्ष्म पतन है वो एक बौद्धिक रूप से है और एक स्थूल रूप से भी है, स्थूल रूप से तब तक कहेंगे जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा मनन चिंतन मंथन करके सार निकालने वाली प्रत्यक्ष नहीं हुई, तब तक साक्षात्कार होने विश्वास करना पड़ता था। ब्रह्मा बाबा भी साक्षात्कार से बने हुए चित्रों में विश्वास किया। और बाबा
सीढ़ी समझ सकते हैं, घर में देखते हैं या सब है, फिर भी बाबा को देख के खुश होना, बाबा से मिलना चाहते तो वो चल को देखना चाहते। एक होता है सिर्फ अधिक याद आए बिंदु भूल गए, एक होता है बिंदु भी याद आए फिर भी याद आए, जो बाबा कहते हैं साकार में निराकार को याद करो। बाबा है बाप को यथार्थ रीति कैसा पहचानना, इसके माता जी पूछ रही है। बाप जो है जैसा बाप है आत्माओं का बाप, आत्माओं का बाप तो जो आत्माओं का बाप है उसके बारे में बताया नहीं गया है, कब आता है, कैसे आता है, किस में आता है, वो हिस्ट्री सुनी नहीं है क्या? तो हिस्ट्री सारी बात सुनने के बाद अभी फैसला नहीं हो पाता है बाप के आने का टाइम क्या है, बुद्धि में नहीं बैठा कौन सा टाइम है? अभी कलयुग का अंत है या नहीं है? कैसे हम कहते नहीं है, क्या जवाब देंगे? ये कोई दूसरा कहता है कलयुग का अंत नहीं है, अभी तो बहुत हजारों साल पड़े हुए हैं। बाप आया क्या प्रूफ है बाप आया हुआ है? कलयुग अंत में बाप आता है ठीक है, द्वापर कलयुग त्रेता में नहीं आता है मान लिया, कलयुग अंत में ही आएगा। क्या है ज्ञान आपके पास इस बात का? आपके पास क्या ज्ञान है कि कलयुग का अंत है? अरे जब दुनिया का अंत होना होता है तो अंत करने का बारूद तैयार हो जाता है, क्या एटम बम बनते हैं है? जब बाप आते हैं तो बाप के साथ विनाशकारी मूर्ति भी आती है। कौन सी मूर्ति है? शंकर द्वारा विनाश। तुम बताओ कि आज से 70 साल पहले न विनाश की सामग्री थी और न विनाश कराने वाली मूर्ति निमित्त मूर्ति इस दुनिया में थी। 70 साल के अंदर ही विनाशकारी मूर्ति भी आई मैदान में और हाँ, और एटम बम भी बन गए। इसलिए शंकर के नाम के साथ साथ क्या शब्द जुड़ा हुआ है टाइटल में? बम बम। पापों का हरण करने वाला कब बनता है? जब बम फोड़वाता है। तो टाइम तो ये हल हो गया कि एटम बम बनते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब दुनिया का विनाश होने वाला है। और मकान पहले बनाया जाता है कि पहले बिगाड़ा जाता है? बनाया जाता है पहले मकान बनाया जाता है फिर पुरानी बिल्डिंग गिराई जाती है। कम से कम एक कमरा तो बना के रखेंगे। तो ऐसे ही है कि भगवान इस धरती पर आता है तो पहले बनाना शुरू करता है, स्थापना शुरू करता है, साज सामान इकट्ठा करता है। सारी दुनिया से हर धर्म से आत्माओं को श्रेष्ठ आत्माओं को चुन चुन करके अपने पास इकट्ठा करता है, उनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता है ब्रह्मा द्वारा। तो इतने तो कहें क्या क्या पता स्थापना हो रही है नहीं, हम कैसे माने? तो बताओ कि देखो ये गाया हुआ है कि नहीं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, ब्रह्मा सृष्टि रचना करते हैं। तो दुनिया में इतने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय फैले हुए हैं, हजारों अब लाखों की तादाद में होने जा रहे हैं, तुम्हारी आंखें देखती कर कान सुनते नहीं है क्या? आपके कानों में आवाज नहीं पड़ी कि गांव गांव में शहर शहर में दुनिया के हर कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खुले हुए पड़े हैं? तो ब्रह्मा होगा तब तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खुले हुए। कोई आदमी इंटर कॉलेज या महाविद्यालय खुलवाता है तो उस विद्यालय से पहले अपना नाम डलवा देता है,
तो ये भी विद्यालय है, दुनिया के कोने कोने में खुला हुआ है, इससे साबित होता है कि ब्रह्मा इस सृष्टि पर है, तब तो खुला है। तो ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रची भी जा रही है, शंकर का काम भी चल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। अब रही नई दुनिया की पालना की बात, तो जब स्थापना का काम पूरा होगा, विनाश भी शुरू हो जाएगा और नई दुनिया का फाउंडेशन भी बहुतों को दिखाई पड़ेगा। जो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अंग्रेज लोग लिखते हैं पैराडाइज, मुसलमान लोग लिखते हैं जन्नत, तो उनके शास्त्रों में इसी समय की यादगार लिखी हुई है। ये जन्नत और पैराडाइज देखा किसी ने नहीं है, लेकिन उनके उनके शास्त्रों में ये बात रुझी हुई है। तो ये बात पक्का कि भगवान इस धरती पर आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश करा रहा है और नई दुनिया की पालना भी होने वाली है। जन्नत का नजारा सबको अनुभव होगा, सारी दुनिया मानेगी। इस दुनिया में कहीं न कहीं खास भारत में वैकुंठ है। अब रही बात फिर वो भगवान कहाँ है, तुम कहते हो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया, तो हम कहाँ ब्रह्मा को भगवान कहते हैं? हम कहते हैं ब्रह्मा को भगवान है, वो तो तथाकथित कोई कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले, वो कहते हैं ब्रह्मा भगवान, हम तो नहीं कहते। भगवान कौन है? शिव भगवान जो है वो तो बिंदु बना है। कैसे पता चले है? तो कौन से शरीर में प्रवेश करते हैं हमें कैसे मालूम पड़े? साकार शरीर तो सभी है, तो सभी साकार शरीर में प्रवेश करता है। तो फट से कंता काट दो कि आधे शरीर तो स्त्री चोला है और आधे शरीर पुरुष चोला है, ज्ञान में चलने वाले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ही भगवान पढ़ाए रहा होगा, तो उनमें जो स्त्री चोले हैं उनमें तो कहीं शास्त्रों में गाया हुआ नहीं है कि भगवान स्त्री चोला धारण करके आया, कहीं लिखा है? है? भगवान का स्वरूप स्त्री चोले के द्वारा गाया हुआ नहीं है, भगवान तो पुरुष के द्वारा आता है, तो आधे स्त्री चोले तो पहले ही निकाल दिए। अब रहे पुरुष चोले, तो पुरुष चोलों में से कैसे पता चले कि ज्ञान में चलने वाले कौन हैं जिनमें भगवान कार्य करता होगा? तो बताओ कि भगवान तो एक व्यापी होता है क्या? भगवान इस धरती पर आएगा, भगवान की इतनी महिमा होती है, तो एक रूप की महिमा होगी या अनेकों रूपों की महिमा होगी? एक रूप की महिमा होती है, तो वो एक रूप जो है वो गाया हुआ है शास्त्रों में। और जो गलत फहमी हो गई है कि राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, शंकर भी भगवान है, अनेक रूप भगवान के दे दिए हैं, वो गलत फहमी के कारण हुआ है। क्या गलत फहमी? नहीं, भगवान जिस चोले में आता है वो चोला राम वाली आत्मा का होता है अंतिम जन्म, और उस राम वाली आत्मा के अंतिम जन्म का नाम पड़ता है शंकर। शंकर का मतलब है मिक्स पार्टधारी। क्या उसमें ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है? जिस ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वही ब्रह्मा की आत्मा जिसने सबको सभी ब्राह्मणों को बहुत प्यार दिया, बहुत शांति का दान दिया, बहुत शीतल शीतल ज्ञान दिया, बड़ी माँ के रूप में सही शक्ति धारण करके बच्चों की पालना की, वही शीतल ज्ञान प्रकाश वाला चंद्रमा राम के मस्तिष्क में प्रवेश करता है, इसलिए शास्त्रों में और चित्रों में उसके मस्तक पर क्या यादगार दिखाते? चंद्रमा की यादगार दिखाते।
और तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, वो तीसरा नेत्र है शिव की प्रवेशता की अंदर। क्या शिव बुद्धि के तीसरे नेत्र के रूप में प्रत्यक्ष होता है। बुद्धि के आधार पर ब्रह्मा के द्वारा जो भी ज्ञान सुनाया है, ज्ञान का गीत सुनाया है, उस ज्ञान के गीत के एक एक शब्द, एक एक लाइन का हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। ये समझाने का काम बुद्धि के द्वारा करता है। क्या बुद्धि जो है वो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र शंकर को ही दिखाया जाता है, ये त्रिनेत्री कहा जाता है। तो जो तीसरा नेत्र है वो सदा शिव नेत्र है। ब्रह्मा आज ज्ञान सुना देगा, कल खलास हो जाएगा। भले ब्रह्मा एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा भी अनेकों के नाम है, इसलिए चौमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, लेकिन भगवान जिस में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो एक ही शंकर का स्वरूप है, जो सारी सृष्टि का पिता गाया जाता है। जगतम पितरम, जगत का पिता, सारा जगत उसे अपने पिता के रूप में मानता है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं उसको बापों का बाप, तो कहते हैं एडम। मुसलमान क्या मानते हैं? आदम। जैन लोग भी मानते आदिनाथ, और हिंदू लोग तो कहते ही आदिदेव। जब नई सृष्टि शुरू हुई तो नई सृष्टि में देवता थे, उन देवताओं में पहला देवता कौन? आदिदेव शंकर। तो वो सबका बाप है, बापों का भी बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो तीनों मूर्तियां उसमें समाई हुई हैं, इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है, सब देवताओं के नाम मिला करके एक श्लोक में भर दिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम, इतने नाम सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, एक के ही नाम। अच्युत माने च्युत माने ऊपर से नीचे गिरना। क्या जिसकी शक्ति कभी ऊपर से नीचे गिरती ही नहीं, नहीं तो मनुष्य है, बच्चा पैदा करने की एक्ट करते हैं तो उनकी शक्ति ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिससे बच्चा पैदा होता है। नीचे शक्ति पाक होता है तो बुद्धि दंड हो जाती है, बुद्धि में से ज्ञान सारा उड़ जाता है। तो वो अच्युत है, वो कभी ऊपर से नीचे गिरने वाला नहीं है, पतित नहीं होता, तन की शक्ति से भी पतित नहीं होता, मन की शक्ति से भी पतित नहीं होता। और जब तन का पतन नहीं होगा, तन की शक्ति का पतन नहीं होगा, तो तन में शक्ति कहां से आती है? धन से आती है कि बिना धन के आती है? बिना धन के तन में शक्ति आ जाती है। हेल्थ जो है, अगर आदमी को खाना पीना कुछ न मिले तो हेल्थ आ जाएगी? धन तो चाहिए ना, तो धन की भी बचत होती है। जो भी योगी होगा उसकी भूख ज्यादा होगी या कम होगी? उसकी भूख कम होती है, वो औरों के मुकाबले कम खाएगा, कम यूज करेगा। औरों को ज्यादा चाहिए, कोई भिखारी होगा, जैसे वो कौन था हैदराबाद का निजाम पास का, 500 रानियां थी, नाश्ते में क्या खाता था? केलों का, बड़े बड़े अच्छे अच्छे केलों का एक पूरा लंगर उसके सामने नाश्ते में रखा जाता, और रानियां बैठती थी खटाखट छील छील के खिलाने के लिए, कब 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 सारा नाश्ता खा जाता।
तो 500 रानियों के बीच रहने वाला विकारी होगा या निर्विकारी मनुष्य होगा? विकारी मनुष्य होगा, क्योंकि उसमें कोई योग की सहज राजयोग जिसमें याद का घट भरा हुआ है, जिसमें युक्ति भरी हुई है, राग भरा हुआ है, वो तो उनके पास था ही नहीं। तो विकारियों को ज्यादा भोजन की जरूरत होती है, जितना जास्ती विकारी होगा उतना जास्ती भोजन करेगा, जितना निर्विकारी होगा उतना कम भोजन करेगा। तो शंकर को तो चित्रों में योगी दिखाया जाता है या भोगी दिखाया जाता है? क्यों भोगी नहीं दिखाया जाता? दिखाया जाता है, अरे झूठ बोलते, उनको विष पीते हुए नहीं दिखाते? विषय विकार पीता है कि नहीं है? तो बाबा तो कहते अमृत छोड़ विष काहे को खाए है? जब अमृत मिल रहा है तो अमृत को छोड़ करके विष क्यों पीता है? तो विषय विकारी नहीं है? अरे विष पात्र जब सामने आता है और वो पीता है तो वो विष पात्र चैतन्य है या जड़ है? विष से भरे हुए, विषय विकारों से भरे हुए पात्र चैतन्य है ना, तो उनकी बुद्धि में तो बैठ जाता है ये विषय विकारी है, नहीं बैठता? बैठता है, है? कोई बुद्धि में बैठता है, कोई बुद्धि में नहीं बैठता है? ज्ञानी होगा तो उसकी बुद्धि में बैठेगा, जैसे खुद विकारी होगा बुद्धि में नहीं बैठेगा। विकारी होगा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती, जिसकी दृष्टि में विकार भरे हुए होंगे, सुपन खा सूचना होगी तो विकारी दिखाई पड़ेगी, और सीता सत्या सावित्री जैसी होगी तो विकारी दिखाई पड़ेगी, जैसे पार्वती शंकर दिखाई पड़ता था, बोला हमारे जान सदा शिव जोगी, जान अवध्य अकाम होगी, हमारी जानकारी जहां तक है वहां तक मैं ये समझती हूँ शिव शंकर भोलेनाथ सदा के ही योगी है, माना जन्म ये भोगी बन करके नहीं रहे हैं, इनकी आत्मा का लगाव जो है वो शरीर के भोग भोगने में नहीं रहा है, और इस जन्म में भी ये योगी है भोगी नहीं है, ये अजन्मा है। क्या इनकी जन्म मृत्यु बार बार नहीं होती है कि आज अभी निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे बने और अभी अभी अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाए, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में ये नहीं आते, ये अज है, ज माने जन्म होने वाला, आ माने नहीं, माने अज माना जन्म मृत्यु के चक्कर में ना आने वाला, अनवाद्य, इनका कोई वध नहीं कर सकता ज्ञान बाण मार के। लोग होते हैं ना, कोई बहुत ज्ञान सुनाता है, बहुत ज्ञानी होता है, तो मायावी रूप धारण करके उसको ऐसी बात सुना देता है तो उसका ज्ञान ज्ञान सारा डोलने लगता है, ज्ञान छोड़ छाड़ के भाग जाता है, अज्ञानी बन जाता है, अनिश्चय बुद्धि बन जाता है, तो मर गया या जिंदा है? मर गया, तो उसका वध हो गया ना, वध हो गया माने उसकी हत्या हो गई। तो ऐसे नहीं है कि उनका कोई वध कर सके, हत्या कर सके, अकाम उनकी अपनी कोई कामना नहीं है, जो भी कामनाएं है वो सब किस लिए है? विश्व कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है। अब होगी भोगी माना भोग भोगने वाला, वो अपने लिए उनका भोग नहीं है, सिर्फ शरीर बना रहे इसलिए भोग है। तो पार्वती का ये अपना मंतव्य हुआ, जो विकारी कन्याएं माताएं हैं उनका मंतव्य कोई दूसरा हो जाता है,
तो आगे चल के ये कि मैं ऐसे बहुत से निकलेंगे जो बाप की ग्लानी भी करेंगे, और ऐसे भी निकलेंगे जो बाप का गायन ही गायन करेंगे, ग्लानी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ये पहचान बताई है, मुरलियों में ढेर सारी पहचान है। कोई रिसर्च स्कॉलर हो तो ढेर सारी बातें इकट्ठी कर सकता है कि वो कण कौन सा है, मुकर्रर रथ है, जिसमें शिव सुप्रीम सोल अकर्ता अभोक्ता प्रवेश करता है और प्रवेश करके पार्ट बजा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में। ऐसा ज्ञान सुनाता है जो ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र नहीं सुना सकता, तो बुद्धि में बात बैठेगी। वो मुकर्रर रस भी समझ में आ सकता है, समझ में ही नहीं आ सकता, जिसकी समझ में आ जाएगा वो दूसरों को समझाए भी सकता है। तो बात अलग हो जाती है कि भगवान बाप आया हुआ है, किस मुकर्रर रस में आया हुआ है, कहाँ कार्य कर रहा है। भले ये बात भी है कि बहुत गुप्त पार्ट बजाता है, जिनको पढ़ाई पढ़ाता है पांडवों को वो भी गुप्त है, और उन पांडवों को गुप्त पांडवों को पढ़ाई पढ़ाने वाला भी गुप्त है। लेकिन है तो इसी दुनिया में, इस दुनिया से बाहर है, इसी दुनिया में। और गुप्त तो उनके लिए है कि जो पढ़ाई पढ़ते हैं, एक बार पहचान लेते हैं, अंजाम कर लेते हैं और फिर गलतियां करते हैं। एक बार गलती करते, दो बार करते, तीन बार करते और करते ही रहते, उनके लिए गुप्त हो जाता है। जैसे बोला अगस्त्यवाणी में कि जो क्रोध करते रहेंगे तो उनसे बाप दादा नहीं मिलेंगे। तो कितने साल हो गए ये बोले हुए, ये बात बोले हुए कई साल बीत गए, तो बाप दादा ने एक्ट करना शुरू कर दिया होगा कि नहीं, कि इतने परसेंट के से ज्यादा अगर क्रोध करते हुए देखे गए तो मिलना जुलना बंद। क्रोध जिसमें आवेगा उसमें काम काम जरूर होगा, तो ऐसे कामी क्रोधियों से मैं नहीं मिलूंगा। थोड़ा बहुत है तो चलो थोड़ा अभी माफ करते हैं, क्योंकि अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी भी कोई सुधार अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरे साथ रहने वाले वो भी मेरे को नहीं पहचान सकते, सब के लिए नहीं बोला। इसका मतलब है कोई है जिन्होंने सबसे जाती संग किया है, साथ में रहे हैं। साथ में रहने का मतलब क्या है? साथ रहना, साथ खाना, साथ सोना, साथ खेलना, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं पहचान पाते। ऐसी क्या बात है? ऐसी बात है पुष्करणी ब्राह्मण बनने की, का कारण क्या हुआ कि नहीं पहचान पाते हैं? क्या कारण हुआ? पुष्करणी ब्राह्मण है, पुष माना दूसरों ने धक्का दे करके आगे बढ़ाया है, खुद अपनी लगन से आगे नहीं बढ़े हैं। तो धक्का दे करके जो गाड़ी चलाई जाएगी वो कितने समय तक चलेगी?
तो मोटर कार होती है ना, रुक जाती है तो बार बार धक्का देते हैं, चल पड़ती है, स्टार्ट हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर धक्का देते हैं, फिर चल पड़ती, तो आखिरी उसकी भी कोई मियाद होगी कि नहीं होगी, है? धक्का दे दे करके उसको कब तक थमा के रखेंगे? उनको कहते हैं पुश पुश, पुश माने धक्का देना, करनी, धक्का दे करके चलाए जाने वाले। ऐसी बहुत सी कन्याएं हैं जिनको माँ बाप सरेंडर कर देते हैं, गरीब हैं, या घर परिवार में ऐसी स्थिति नहीं है, या मोहल्ले और रिश्तेदारों की ऐसी स्थिति नहीं है कि कन्या को घर में पाल सके सुरक्षा पूर्वक, तो यज्ञ में अर्पण कर जाते हैं। कन्या की बुद्धि में तो बैठा नहीं होता है, अब बाप तो बांधा हुआ है, चलो लग जाए इनका तो लगी ही जाए, बाप क्यों धक्का देंगे? कन्या से ज्यादा शुद्ध और तो कोई चीज होती नहीं है। बाप ये थोड़ी देखते कि समाज का वायुमंडल वातावरण बहुत खराब है इसलिए हम इन कन्याओं को सरेंडर नहीं करेंगे। उनसे दुर्योधन जो शासन बनते हैं या कन्याएं माताएं बनती हैं, पुरुष बनते हैं। ऐसा भी वातावरण दुनिया का खराब हो, माहौल खराब हो, गलती पुरुषों की होती है, तो कन्याओं को सरेंडर करने में क्या आ जाए? क्या पता सुधर ही जाए? अष्टदेव डबल विदेशी है या सिंगल है या विदेशी है ही नहीं, स्वदेशी है? अष्टदेव विदेशी है ना, और डबल विदेशी है। तो जब नॉर्थ निकलेगा, नॉर्थ इंडिया के लोग निकलेंगे एडवांस में, तो क्या अष्टदेव जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे? नहीं, अष्टदेवों के रहने की संभावना है, तो ये बात तो गलत निकली। और विदेशी या स्वदेशी शरीर होता है या आत्मा होती है? शरीर होता है विदेशी स्वदेशी, लेकिन उस विदेशी शरीर के अंदर स्वदेशी आत्मा है जन्म जन्मांतर की या जन्म जन्मांतर की विदेशी आत्मा है, ये कैसे पता चलेगा? इतने यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें कितनी की आत्मा स्वदेशी है जिन्होंने अनेक जन्म लिए हैं उत्तर भारत में? जो पक्का ज्ञान को समझता है, हाँ, ज्ञान को समझता है, बाप को समझता है, अंत तक पकड़ के रहता है और इशारे से हिंदी भाषा समझता जाता है। हाँ जी, अनेक जन्म अगर उत्तर भारत में लिए होंगे तो भाषा के संस्कार होंगे या नहीं होंगे? भाषा के भी संस्कार होंगे, तो खटाखट कैचिंग पावर होगी, समझते जाएंगे।
उन्हें दुनिया के लोगों की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, बाबा की बातें अच्छी भले नहीं बोल सकते हैं। हाँ बाबा बच्चन को बाप समान बनने के लक्ष्य भी आ रहे हैं। हाँ बाप समान बनने के लिए क्या पूछना आलो करो है कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो और डायरेक्शन में बाप को फॉलो करो। नहीं बताया? बताया तो है। जैसे बाप चलाते जा रहे हैं वैसे चलते जाओ। जैसे ब्रह्मा ने कर्म किए वैसे ब्रह्माचारी ब्रह्मा का आचरण करने वाले बनते जाओ। ये चैटिंग करना कोई बड़ी बात है क्या? बाबा ये माता पूछ रहे हैं नेल्लूर के सभी माताएं एक एक आए हैं युगल नहीं आए हैं। हाँ एक एक घर से एक एक माता ही निकली है। बूढ़ी माता निकली है और चलो वो भाई अपन नहीं। हाँ नेल्लूर में सभी माताएं बूढ़ी हो गई है। हाँ मैच्योर माताएं निकली है अभी निकली अभी तो प्रसाद करने में फुर्सत नहीं है तो बीमारी आता है। हाँ तो क्या सब इनको थोड़े अब तो सभी को आ रही है आगे चल के और बीमारियाँ बढ़ेगी। मनमन टाइप को होते हैं बीमारी अपनी जगह बढ़े। हाँ उम्र बढ़ रही है तो कोई हर्जा नहीं है। उम्र भी बढ़ती है तो बाल बच्चे भी तो बड़े होते हैं। ऐसे थोड़ा ही क्या है बाल बच्चे छोटे ही बने रहते हैं उनकी परवरिश बढ़ेगी। बीमारी आदि आया तो याद करना तो मुश्किल। बीमारी आदि आया तो याद करना मुश्किल होता है। जमीन फट जाए आसमान फट जाए ऐसे संकल्प क्यों करना खराब खराब। महाराज के बच्चे अंतर बाबा के बच्चे उधर रहने के लिए उपाय के अच्छा प्रचार करना सेवा करना। सेवा करते रहेंगे तो सेवादारी बच्चों को याद करते रहेंगे। बाप जिनको बाप याद करते रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे इसी शरीर से शरीर के द्वारा कंजर काया बनना है ना। अभी तो हमें इतने बूढ़ी हो गए तो कैसे कंजर काया बने? आप बूढ़े हो गए बाप बूढ़े तन में नहीं आया हुआ है। बाप नौजवान तन में ही रहता है क्या? नहीं ट्रिपल इंजन जो है जिन आत्माओं को आप ट्रिपल इंजन डबल इंजन बोल रहे हैं ट्रिपल इंजन बोलता नहीं डबल इंजन जिन्हें बोल रहे हैं वो इंजन क्या पार्शलिटी वाले हैं? पार्शलिटी वाले तो नहीं है। शिव बाप जब ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो उनकी खांसी ठीक कर दी क्या? नहीं ठीक कर दी ना। पार्शलिटी तो नहीं की। तो ब्रह्मा की सोल जो है या शिव की सोल जो है जो डबल इंजन है दोनों वो पार्शलिटी वाले है क्या? पार्शलिटी तो नहीं है। अपना अपना कर्म भोगो अपने आप भोगो। मुकर्रर रस है तो क्या हुआ? इसी शरीर में बच्चे जाने के लिए वैसे तो मैं जाने के बाबा ने तो बोला है बूढ़ी बूढ़ी माताएं ईश्वरी अर्पण हो जाएंगी तो पंख लग जाएंगे पुरुषार्थ
के तो बात भूल गए। हिम्मत है बच्चे, अब तुम पर आओ भाई घबराए। Thank you.